जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूँ यही सोच रहे होंगे कि इस गाने का इस वीडियो में क्या काम। खैर, ये भी बताऊंगा जब हम वीडियो का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। जैसे कि हम जानते हैं, Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro, MI साउंड बार, MI टीवी 32 इंची और ब्लूटूथ ईयरफोन्स लॉन्च किए हैं। साथ ही में एक प्रोडक्ट है जो खुद ब खुद लॉन्च हो जाता है, जिसे कि हमारी जनता लॉन्च करती है। खैर, ये एक अलग डिबेट है कि ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च होता है, बट हाँ, फिलहाल तो हमारी जनता इसे लॉन्च करती है, जो कि है ब्लैक मार्केटिंग। और हाँ, Redmi Note सीरीज और ब्लैक मार्केटिंग का जन्मों जन्मों का साथ रहा है, खासकर Redmi Note 4 के लॉन्च से। यहाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रैक्टिस सही है और किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और आपका कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ लेट अस नो, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मददगार रहेगा। इसी बात पे शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि Redmi की Note सीरीज बेहद ही पसंद की जाती है भारत में, ब्लैक मार्केटिंग का जन्म Redmi की Note 4 सीरीज के साथ शुरू हुआ। Redmi की Note 3 सीरीज ने बेहद ही अच्छा परफॉर्म किया और जब Redmi Note 4 आया, साथ ही में आई फ्लैश सेल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, लोगों के पास हेडसेट नहीं होते थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम और ऊपर से फ्लैश सेल का मॉडल। एज अ रिजल्ट, जिन लोगों को सेट मिल जाता था वह उसे बेचना शुरू कर देते थे। तब से ही ब्लैक मार्केटिंग और Redmi Note सीरीज का साथ चलता जा रहा है। Redmi Note 7 के लॉन्च होते ही धड़ाधड़ लोगों ने ऐड डाल दिए हैं, कोई 500 रुपए पे एक्स्ट्रा, कोई 700 रुपए पे एक्स्ट्रा, कोई 1100, जो जिसको जहां फंसा सके। और तो और, Xiaomi ने अपनी लॉन्च सेरेमनी पे जो एफ कोड बांटे, लोगों ने वो भी डाल दिए हैं, कोई 500 में, कोई 1100 में, कोई 1200 में। तो आप देख सकते हैं किस कदर Redmi Note सीरीज और ब्लैक मार्केटिंग का साथ रहा है और जो कि चलता जा रहा है। एक प्रश्न के साथ मैं आप लोगों को छोड़ना चाहूंगा, यही अगर Xiaomi 1000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करे हेडसेट का आपसे, तो आप खरीदेंगे? फिर हम बोलेंगे कि ओवर प्राइस है। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि पहले से फ्लैश सेल मॉडल पे Xiaomi नहीं निर्भर करती ज्यादा। आपने Redmi Note 6 Pro या Poco को देखा होगा, बहुत ही कम फ्लैश सेल्स हुई, उसके बाद से अवेलेबिलिटी फुल ऑन कर दी गई। जहां तक Redmi Note 7 और Note 7 Pro का सवाल है, हमने देखा कि Xiaomi ने 2 हफ्ते का टाइम रखा जब ये सेल्स पर जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि क्वांटिटी खूब रहेगी ताकि सेल्स पे दिक्कत ना आए, और फ्लैश सेल का मॉडल भी 2 या 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, जो कि हमने ट्रेंड देखा है कुछ पुराने मोबाइल्स में। और तो और, Xiaomi ने क्लियर किया कि ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या ये तरीका ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्ज कीजिए कि आपने जो फ़ोन ख़रीदा, आपके नाम बिलिंग नहीं है, ठीक है। अब आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत आए सर्विस पर आने। और अगर आप सेलर हैं, आप मानिए कि आपका फ़ोन ऐसे हाथों में चला गया कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, आप फंस सकते हैं, आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हो सकती है, या एज अ रिजल्ट ऑफ सम डिस्प्यूट आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि वो फ़ोन आपके नाम पे होगा। और तो और, मैंने देखा है जिन लोगों ने 10-10-15 हेडसेट खरीदे जब फ्लैश सेल खत्म हुई, अब वही हेडसेट को 500 से 1000 पे बेच रहे हैं, तो उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो फेक सेल्स होती हैं, उसमें मैंने कई लोगों को फंसते हुए देखा है, अच्छे खासे पैसे गंवाते हुए देखा है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रैक्टिस को, इस मॉडल को ना ही अपनाएं, बल्कि आप अपना डीलर से प्री ऑर्डर करवा लें या फिर Xiaomi से ले लें, और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें 4 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ोन आपके नाम पे होगा, आपको कोई फेक सेल नहीं मिलेगी और आप सिक्योर रहेंगे। आप सर्विस सेंटर भी जाएंगे तो सर्विस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि हमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ नहीं है, इसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए, ये एक कंपनी को भी दर्शाता है कि हाँ, यूज़र में परचेजिंग पावर की कैपेबिलिटी है। इससे पहले कि कंपनियाँ रेट बढ़ाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा देके फ़ोन पे कर रहे हैं, इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को रोक दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। जय हिंद, नमस्कार।